हो गया नहीं। और लास्ट में कितने मिनट रखने हैं? 15 मिनट। Our heroes have been forgotten, our heroes so brave and bold. Our heroes have been forgotten, our heroes so they got old. Our heroes have been forgotten. Hello guys, कैसे हैं आप सब? I wish अच्छे ही होंगे. So welcome back to my channel and मैं हूँ प्रीति. So you know, आज हमने बनाए बहुत सारे पिज्जा. बहुत सारे मतलब कितने बनाए हमने? 5 है? 6. ये कैमरा पकड़ा है ना हम इतने, तो इनसे 6 पिज्जा बनाए हमने. 6 तो क्या बोलूँ यार, कुछ नहीं है से. बट क्या है कि अगर जैसे कि लॉकडाउन वैसे भी खुल चुका है, बट अभी भी ये है कि आप बाहर की चीज़ें, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो खाना अलाउ नहीं है. अलाउ तो है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सेफ्टी रखते हैं. तो आप इजीली घर पे बना सकते हैं पिज्ज़ा. बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनाए, सीरियसली, और क्रिस्पी भी बनाए साथ में. तो नन्नू, हाय. ओए नन्नू, क्या देख रहे हो आप? याकू. ओ माय गॉड, याकू देख रहा है नन्नू. तो चलिए फटाफट से मैं आपको पिज्जा की रेसिपी बताती हूँ, इसे कैसे बनाना है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1 कप पानी. इस मैदे को अच्छे से गूंद लेना है. हमेशा याद रखें कि मैदे के रेसिपी के अकॉर्डिंग ही आपने पानी लेना है. अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो 1/2 कप पानी से आपने इसे गूंदना है. अच्छे से इसे गूंद लीजिए और अब 10 या 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए आटे को रख दीजिए. तब तक हम सब्जियों को रेडी करते हैं. सब्जी में मैंने यहाँ पे रेड और ग्रीन कैप्सिकम लिया है, यानी शिमला मिर्च, और 1 प्याज. इन दोनों को सौते करना है हल्का सा. सौते मीन्स इन्हें गरम तवे पे, थोड़ा सा तवे या कढ़ाई पे इतना रोस्ट करना है कि इसका जो कच्चापन है वो हट जाए. 15 मिनट बाद ये आटा रेडी है. और अब फटाफट से इनके गोले मैंने बना दिए. मीडियम साइज़ के आपने गोले बनाए, ना ही ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, ताकि जो आपका बेस है पिज्ज़ा का वो ठीक ठाक बने, यानी ज़्यादा मोटा भी नहीं बनना चाहिए. इसका जो साइड है इसे अच्छे से बेल लीजिए, ज़्यादा मोटा नहीं रहना चाहिए. आप अपने साइज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिस जितना आपका तवा है उस अकॉर्डिंग आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, गोलाई. और आप फॉक की हेल्प से इसे इस पर छेद कर लेने. छेद इस तरीके से करने हैं कि वो आर पार हो जाए, ताकि इससे क्या होता है, पिज्ज़ा बहुत क्रिस्पी बनता है और आपका जो पिज्ज़ा है वो फूलता नहीं है. नॉर्मली आपने खाए होंगे बाहर पिज्ज़े, वो फूले हुए होते हैं, लेकिन जो बेस्ट जो इसका इस जो बोलते हैं वो वही होता है जो फुलानी होता है. तो अब यहाँ पे मैंने तवा लिया है. आपके पास अगर नॉनस्टिक ही तवा है तो आप वो ले सकते हैं. इसे इसमें डाल दीजिए और फटाफट से इसे पलट लीजिए. ध्यान रखिए कि इसका एक साइड आपने थोड़ा आधा कच्चा रखना है और एक साइड इसका सही से थोड़ा पका देना है. जो आधा कच्चा साइड है वो बाद में आपका काम आने वाला है, क्योंकि जो पक अब ये जो है रेडी हो चुका है बेस इसका. जो आधा कच्चा साइड है उसको हमने नीचे की साइड रखना है, और जो पका हुआ साइड है उस पर हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा लेनी है. ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर पे बनाई है. इसका जो रेसिपी है आप मेरे खाने के चैनल पे देख सकते हैं, प्रीति अमित की रसोई हमारा चैनल है खाने का. और उसका जो नेम है मैंने चेंज कर दिया है इजी फूड रेसिपी से. तो इजी फूड रेसिपी जो है थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो अब मैंने प्रीति अमित की रसोई कर लिया है. तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. सारी वेजीज और चीज़ मैंने इसमें ऐड कर लिए, और साथ में मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लिए हैं. और अब इसे हम रखेंगे तवे में. लेकिन हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप तवे में पिज़्ज़ा रख रहे हैं तो जो आपका फ्लेम होगा ना आंच, वो बिल्कुल ना के समान होनी चाहिए, वरना आपका पिज़्ज़ा जो जल भी सकता है, क्योंकि ये ओवन नहीं है. बट आप बिना ओवन के भी अच्छा पिज़्ज़ा घर पे बना सकते हैं. ये देख सकते हैं 15 मिनट बाद मैंने हटा लिया है पिज़्ज़े को तवे से, और ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनाया. और अब इसे खाइए. यू नो, बहुत गर्मी यार, गर्मी में मतलब कुकिंग करना बहुत मुश्किल है ना. कोरोना बहुत बढ़ गए ना दिल्ली में. आपके उधर कितने कितने बढ़े हैं? यहाँ तो बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं, आई थिंक, न्यूज़ देख देख के. मैंने तो न्यूज़ देखना ही छोड़ दिया. अब न्यूज़ देख देख के ना उल्टा टेंशन हो रही है और ज़्यादा, है ना. एक पीस लाना बस.
हमारा तो लंच का आज का इसी में हो गया, अब डिनर का देखेंगे रात का। और आप लोगों का हो गया खाना पीना, कैसे आप सब? घर पे ना वीडियोस बनाने का इसीलिए मन नहीं करता क्योंकि पंखे खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आती रहती है पंखे कूलर की, तो बट क्या करें, ब्लॉग तो जब मन करता है बना लो। ब्लॉग ज़्यादा पसंद आते हैं ना लोगों को, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, सो इसलिए ब्लॉग ही बनाओ। बेटा औरों का काम तो होए ना होए लैपटॉप पर तेरा तो बस ये कार्टून ना कभी ख़त्म नहीं होगा मुझे लगता है। ननू हाय तो कर दो यार, से हाय प्रीशा बाबू प्लीज़ यार, मेरा बच्चा पुछुक 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 गुस्सा हो गया। ये आलसी लोग सो रहे हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, इसका टेम्परेचर थोड़ा वैसा कर दो ना 22 पे, टर्बो पे कर दो जल्दी ठंडा हो जाएगा। और बताओ कैसे चल रहे हैं, कट रहे हैं आप सबके दिन, और कैसे हैं आप सब, क्या कर रहे हैं? यू नो मैंने कितनी बार पूछ लिया है ना। ये महा से गेम खेल रहे हैं, इनके हाथ में फ़ोन ही रहता है, हाय बोल दो। अब जाके थोड़ा रिलीफ मिला है, यू नो दिल्ली में मतलब एसी होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा मतलब खाने के लिए ना मिले एक टाइम चल जाएगा बट सोने के लिए एसी ज़रूर चाहिए, थोड़ा सा ठंडा लगता है, बहुत गर्मी होती है इसलिए। यू नो मैं सोच रही थी आज मैं आपको जो मैंने नेल एक्सटेंशन मंगाए थे ना, जो अमेज़ॉन हॉल देखा होगा अभी आपने, मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाली है, अगर नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने नेल एक्सटेंशन के बारे में बताया था कि मैं उसका रिव्यू दूंगी, तो मैं सोच रही थी उसका वीडियो बना दूं। क्या करूं, अलग से बनाऊं वीडियो या आज ही बता दूं आपको कि कैसे उनको सेट करना होता है और कैसे लगाना है, कितने टाइम आपके वो चल सकते हैं। वैसे उनकी क्वालिटी अच्छी है, मैंने मेकअप वीडियो अपलोड करा है आज ही करा है, यू नो आज कितनी तारीख है, कितना है आज, एक, मैं वीडियो 1 तारीख है ना आज, तो आज मैंने वीडियो अपलोड करी है। ये ब्लॉग शायद शाम को आपके साथ आएगा या कल आता है या परसों आता है, पता नहीं अभी तो। हाँ तो मैंने 1 तारीख यानी आज ही करा है वीडियो अपलोड, वो उसमें मैंने फेक नेल्स, क्योंकि अभी तो मेरे इतने चुट्टू चुट्टू से नेल्स हैं तो उसमें मैंने लगाए फेक नेल्स, अच्छी क्वालिटी लगी मुझे उनकी। मतलब मैं इतना रिव्यू आपको बता देती हूँ कि उसका जो गम है ना वो अच्छा है, अच्छे से चल जाएगा आपका। अगर आप काम वाम नहीं करते हैं तो वो आपका अच्छा चल जाता है, लेकिन हमें काम करना पड़ता है क्योंकि हाउस वाइफ है, साथ में बच्चा भी है, तो उसके लिए वो नेल्स थोड़ा सा हार्मफुल हो सकते हैं। सो तो अगर आप टीनएजर्स हैं, गर्ल्स हैं, लड़कियों को कहाँ इतना काम घर पे होता है यार, तो आपके मजे से रह जाएंगे वो 1 हफ्ते, तो मेरे को लगता है इजीली रह जाएंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो रिव्यू है ना मैं वो आपको थोड़ी देर में अगर मुझे लगा तो मैं बना के दे दूँगी, अगर नहीं लगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्होंने पता क्या करा है, लाइट है ये ना अपने फ़ोन की लाइट जला रखी ताकि अंधेरा ना आए। ठीक है अब हम सोते, मतलब सोती हूँ मैं। यार मतलब दिन में थोड़ा सा आराम करना तो बनता है ना, तो आप मतलब ऐसे मत सोचना। सो जाओ लाइट बंद करके आओ, ये कभी नहीं जाते लाइट बंद करने, हमें समझ जाना पड़ता है, जाओ प्लीज। कभी कभी हमारी लड़ाई हो जाती है इसी बहाने की लाइट बंद नहीं कर रहा कोई, देखो अब उन्होंने, मैंने बताया ना तो इन्होंने लाइट बंद कर दी, देखो अब आ रहा है असली, यू नो अंदर मैंने उजाला नहीं है ना, लाइट का लाइटिंग प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं, हर कमरे में थोड़ा ना लाइट लगाएंगे, मतलब बड़े बड़े बल्ब नहीं लगा रहे, देखना कितने बदतमीज़ हैं, बोल रहे हैं अंकित आ रहा है अंदर वो कर लेगा बंद, इतने आलसी है ना मैं क्या बताऊँ कसम से। आज उन्होंने पिज़्ज़ा बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है ना, तो बोल रहे मेरे को थकान लग गई बहुत ज़्यादा। मैंने ना उसकी वीडियो डाली है मेकअप की वीडियो, यू नो मेकअप ट्यूटोरियल डाला है जो न्यूली मैरिड गर्ल्स होती हैं ना उनके लिए, सो आप देख सकते हैं वो वीडियो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर आपकी शादी को कुछ टाइम भी हो गया तो तब भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं अगर, तो वैसे मैं इसका वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर आपने किया हुआ तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। एंड जो आपको लगती है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं, जैसे आप मैं आपके साथ DIY स्किन वाइटनिंग के करती हूँ या हेयर से रिलेटेड, तो आप उन वीडियोज़ को शेयर किया ताकि यू नो आपके साथ साथ औरों की भी हेल्प हो जाए, तो और मेरी भी हेल्प हो जाए, है ना, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है तो आगे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो यार 1 लाइक तो ज़रूर कीजिए करे यार, आप लोग मतलब वीडियो देखते हो ऐसे छोड़ देते हो, इतनी मेहनत से मैं वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए।
तो एक लाइक तो जरूर कीजिए यार, ठीक है। उससे मतलब ये हो जाता है कि मिलता तो कुछ नहीं है लाइक से, बट ये हो जाता है कि हाँ, कि एक पॉजिटिविटी आ जाती है अंदर से कि हाँ यार आपको पसंद आ रही है, आपने देखी तो आपको पसंद आई है वीडियो। सो इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं, लाइक वगैरह से इतना कोई मतलब बेनिफिट नहीं है, बट यही है कि अच्छा लगता है कि अंदर से कि हाँ हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई, किसी को पसंद आई है ना। चलो ठीक है, अब बैठे बैठे मैं भी बोर हो रही हूँ। प्रेशा अपना लैपटॉप पे लगी हुई है कार्टून देखने में, और ना वो एडिटिंग करने देती है ना वो कुछ करने देती है, तो अच्छा है अभी वो थोड़ा फ्रीली बैठी है बाहर अपनी दादी के साथ, दादी चाचा औरों के साथ। उनकी नाइट ड्यूटी होती है ना, तो दिन में वो लोग सोए रहते हैं। पापा गए हैं ऑफिस और अमित के तो ऑफिस बंद है अभी और मेरा भी काम बंद है, तो हम सो जाते हैं अब थोड़ी देर। बाकी मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाहर कम घूमिए, मार्केट में घर पे रहिए और घर पे ही खाना बनाइए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज़।